नमस्कार, समाचार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। आतंकवाद के दौरान मारे गए युवकों की मां की दास्तां बयां करेगी पंजाब 1984 फिल्म। आज अमृतसर की मजीठा रोड बाईपास पर मिनी बस ऑपरेटर यूनियन की ओर से लगाया गया रोड जाम। इराक में फंसे युवकों की वापसी के लिए कल अमृतसर में आम आदमी पार्टी के वर्करों ने निकाला कैंडल मार्च। पेड़ों की हो रही कटाई की भरपाई करने को निगम चलाएगा अतिक्रमण हटाओ अभियान, अनिल जोशी ने कहा। अब खबरें विस्तार से। जून और नवंबर 1984 के बाद पंजाब में पैदा हुए हालातों के दौरान दिशा बढ़ चुके नौजवानों और उनकी माताओं की बाद में हुई दुर्दशा को बयां करती हुई एक और पंजाबी फिल्म पंजाब 1984 27 जून को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म की प्रमोशन के लिए स्टार कास्ट और पूरी टीम आज गुरु नगरी अमृतसर पहुंची। इस दौरान पत्रकार वार्ता में फिल्म के निर्देशक ने दावा किया कि इस फिल्म का उस समय की राजनीतिक गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इस फिल्म में पंजाब के हजारों नौजवानों को घटनाक्रम का शिकार हुए उनकी और उनकी मां के दर्द को लोगों के सामने रखा है। मैसेज अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। ये मैसेज असी गल कर रहे हैं 84 तो बाद जे जिहड़ी फैमिली नारली पिंड च रहिंदी है उस परिवार दे नाल की वापरिया। असीं परिवार की गल कर रहे हैं और वो बैकग्राउंड से पंजाब की भी गल चल रही। 84 तो लैके 86 तक साड़ी जिहड़ी फिल्म है वो स्टोरी उत्थे तक दिखाई गई है और नो डाउट उदू पहला असीं डॉक्यूमेंट्रीज भी देखियां। असीं तुसीं जे गाना सुनिया होवे मैं कुछ जे आऊँगा सवाह बन के तो असीं जाके भाजी हुरी भी असीं जाके स्पैशल मिले भी हाँ जिन्हां नूं असीं कवर कर सकते हैं। साढ़े को 2.5 घंटे ने असीं उहदे विच जिन्ना कवर कर सकते हैं जिन्ने बंदे नूं मिल सकते हैं जिन्ने उन्होंने दिखा सकते हैं असीं उन्नी ट्राई कीती। मैं तो मेरी टीम ने सानू तो यह लगता कि असी एक सेंसिबल फिल्म बनाई है एक मच्योर फिल्म बनाई है। बाकी जेडे साढ़े माई बाप होंगी सरकार होंगी वो तो ऑडियंस होंगी है तो ऑडियंस ने फाइनल डिसीजन तो देना होगा। तो असी अपने वालों पूरी मानना पूरी रूह ना मेहनत की है दिलों मेहनत की है और मच्योरली कहानी कहने की कोशिश की एक मच्योर तरीके। सो बाकी हूँ ऑडियंस ने दसना 27 जून को भी उन्होंने ये साड़ी गल कि सेंसिबल लग रही और कि पसंद कि मैं जिदा मैं पहलों भी कहा कि मैं जिहड़ियां हेडलाइनस से इवेंट्स आते हैं जिहड़ियां वड्डियां गल्लां होंदियां भी आ हो गया आह वड्डी चीज़ होगी आह वड्डी चीज़ होगी वो सारिया जिहड़ियां चीज़ां मेरा कंसर्न या मेरी कहानी का उन्होंने नहीं है। मेरा कंसर्न कहानी का यह उन्होंने जेडे एक माँ आ या एक पुत आ जो पिंड छोटे जे एक गरीब घर है एक छोटे घर से है जिदा जिन जिड़े जिन्हों बारे हैडलाइन कोई नहीं लिखी लिखी जाती कदे भी जिहड़े सिर्फ नंबरस का हिस्सा बनते कि इन्ने मारे गए या इन्ने गवाच गए या इन्ने मिसिंग आ या इन्ने नहीं लभे या जो भी आ सिर्फ नंबरस आते हैडलाइन से उन्होंने पर्टिकुलर कोई कहानी या गल नहीं की जाती। सो मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर फैमिली लैके एक पर्टिकुलर माँ लैके उनका पुत लैके उन्होंने फोकस रखा कहानी का बाकी सारिया जड़िया गल् मेरी कहानी का फोकस नहीं है। मेरी कहानी का फोकस सिर्फ वो आ और मैं एक ह्यूमन एंगल तो एक ह्यूमैनिटी के एंगल तो गल कहने की कोशिश की है तो आई होप कि ऑडियंस भी उन्होंने इदा ही रिसीव। आज अमृतसर के मजीठा रोड बाईपास पर मिनी बस ऑपरेटर यूनियन की ओर से रोड जाम लगाया गया। इस मौके बस ऑपरेटर यूनियन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि शहर में सिटी बस सेवा शुरू हो गई है जो एक अच्छी बात है पर अब हमारे रोजगार का बुरा हाल हो गया है क्योंकि सिटी बस वाले अब शहर से बाहर आकर गाँव की सवारियाँ भी उठाने लगे हैं जिससे हमारे रोजगार को काफी नुकसान हो रहा है। हमारे द्वारा सरकार को टैक्स भरने पर भी हमारी मिनी बसें सवारियों से खाली जाती है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार से मांग है कि सिटी बस सेवा शहर में ही रहनी चाहिए, अगर ऐसा ना हुआ तो हम बड़े पैमाने पर रोड जाम करेंगे। मैं मिनी बस ऑपरेटर वर्कर यूनियन अंबरसर का सैकटरी बलदेव सिंह बब्बू हाँ। अज जी असि रोस मुजहरा किया तो सिटी बस जी चल रही है सुप्रीम कोर्ट का 26 अप्रैल 2013 दे विच एक फैसला होया सी कि जो वड्डी बस मिनी बस आ जां 407 बसां ने इन्हां नूं कोई परमिट वाधा घाटा नहीं कर सकदी सरकार नूं हदायत कीती सी पर इह गड्डियां ते चल ही नहीं सी सकदियां। असीं पब्लिक दी हित दे विच जाण करके इह गल कही स्वागत भी कीता सी पंजाब सरकार दा कि इह सिटी बसां जिहड़ियां सिटी दे विच चलण सानूं कोई इतराज़ नहीं पर इन्हां ने कारपोरेशन दी हद तों वी बाहर आंदे असीं चलाउणियां ने असीं इस करके अज विरोध कर रहे हां। अज साडे
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਵੱਈਆ ਮਾੜਾ ਸੀ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਿਲਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਦਣ 5 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ 'ਚ 5 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਂਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੂਟ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਹਿਸੀਲ। जहां पंजाब सरकार लोगों के आगे अपना अक्स सुधारने के लिए पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए मुहिम चला रही है और पुलिस ने भी नशे के खिलाफ हजारों केस दर्ज किए हैं और खुद पंजाब सरकार की तरफ से नशे को रोकने के लिए 2 दिन पहले नार्कोटेक्स सेल कंट्रोल बनाया गया, लेकिन सेंट्रल जेल गुरदासपुर में एक हैरान होने वाला मामला सामने आया है जहाँ जेल में नशे की तस्करी को लेकर जेल के ही आला अधिकारियों के बीच खूनी जंग हो गई। जेल में तैनात जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट और जेल सिक्योरिटी के डिप्टी सुपरिटेंडेंट की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लिए। इन दोनों की हो रही लड़ाई को रोकने के लिए आगे हुए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें उपचार के लिए गुरदासपुर हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। रात मैं ना ये अचानक गश्त करन गया सी, अंदर चेक करन, कैदियां नूं, हवालातियां नूं, जिहड़े मुलाजम आ सारिआं नूं चेक करके जो मैं ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁੱਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਤੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 4-5 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਖੰਨਾ ਸੀਗਾ ਹਵਾਸਲਾ ਖੰਨਾ ਡਿਪਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾ ਰੋਹਿਤ ਮੋਹਿਤ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਦੋਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਭੱਜ ਗਿਆ, 4 ਨੂੰ ਐਸ ਐਚ ਓ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਗੋਲੀਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਜਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲੀ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਆਊਟਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਇਹ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਭੇਜੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਭੇਜਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ, ਗਲਤ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸਭ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਮੁਆਇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ, ਇਹ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕੈਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਸ਼ਹਿਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ADP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬਿਦਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ 7 ਬੰਦੇ ਰਾਤ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ 6 ਤੋੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। आज अमृतसर के मकबूलपुरा थाने में SHO कुलदीप सिंह ने 11 मेंबरी कमेटी और आम लोगों के साथ नशे के विरोध में एक मीटिंग का आयोजन किया। इस मौके SHO कुलदीप सिंह ने मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई नशा बेचता है तो उसकी इत्तला तुरंत हमें दी जाए और जो नौजवान आपको नशा करते देखते हैं उन्हें तुरंत हमारे पास लाया जाए जहाँ उनका नशा छुड़ाव केंद्र में मुफ्त इलाज करवाया जाए। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮਕਬੂਲਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਗਰ ਜੇ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
लिया प्रेरित करके लिया के उ दवाई दवा के उन्होंने नशा रहित करना है। लोग हुण साथ देना शुरू कर दिता लोगों ने। अलग चीज आएगी जी, फिर तो जो पीने वाले है ना जी, जो खास करके लोग पीने वाले आ छड़ना भी चाहते हैं, उन्होंने गिरफ्त चो बाहर कढ़न का यह काम है। सरकारी हस्पताल जो केंद्र बनाए गए, नशा छुड़ाऊ केंद्र बनाए गए, उन्होंने दवाइयां मुफ्त मिलदियां ने। देखा जी भी सरकार की जी जो भी सहायता सरकार जो भी सरकार करती है वो तो वो फायदा उठाना चाहिए। अमृतसर में मेट्रो बस चलाने के लिए पेड़ों की हो रही कटाई के बाद हुई किरकिरी से बचने के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने पांच कॉलोनियों में कोठी मालिकों की ओर से किए गए अतिक्रमणों को हटाकर वहां करीब 50,000 पेड़ लगाने के अभियान की घोषणा की है। इस घोषणा दौरान उन्होंने लोगों से सहयोग की मांग भी की है और इसके अलावा उन्होंने शहर के विभिन्न प्रोजेक्टों को भी जल्द से जल्द शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। देखो जिहड़ा डेवलपमेंट काफ़ी ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਾਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਸਾਰੀ ਇਨਕਰੋਚ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਵਾਕਿੰਗ ਪਾਥ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ 50,000 ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਧੀਆ, ਰੋਡ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਰੋਡ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਣੇ ਪਏ, ਕੁਛ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੱਪਲ, ਜਾਮਨ, ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ, ਚਕਰਾਸੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਆ ਦਰਖਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ, 88 ਫੁੱਟ ਰੋਡ, 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ਪੁਲੀ ਡਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਪੀਡ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੀਵਰੇਜ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਕੰਪੈਕਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਛੋਟਾ ਸੀਵਰੇਜ ਹੋਵੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ਪੁਲੀ ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਪਰਿੰਗਡੇਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਜਾਮ ਲੱਗਦਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, 4 ਲੇਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਇਹ ਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲੂਗਾ 88 ਫੁੱਟ। ब्यास में 4 और विद्यार्थियों की लाशें मिली, 4 की तलाश जारी। थलौड़ में लालजी डैम से पानी छोड़े जाने के कारण हुए हादसे में ब्यास में डूबे विद्यार्थियों के लिए चलाए जा रहे रिसर्च ऑपरेशन में रविवार को 4 और विद्यार्थियों की लाशें मिली है। 8 लाशों की तलाश अभी जारी है। ये हादसा 8 जून को हुआ था। कल रात अमृतसर के राजीव गांधी नगर में पीर बाबा भोले शाह जी का 22वां सालाना मेला बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया गया। इस मौके गद्दी नशीन बाबा टीटू शाह जी ने आई हुई संगतों को आशीर्वाद दिए और मेले की बधाई भी दी। इस मेले में कवालियों के साथ पंजाब की मशहूर पार्टियों ने बाबा जी की महिमा का गुणगान किया। इस मेले में अलग अलग जगह से आए गद्दी नशीनों ने भी मेले में शिरकत कर मेले की रौनक बढ़ाई।
इस मौके शबील और गुरु जी का टूट लंगर भी लगाया गया। तो आप दे दें मैं इतने वाला मुझे 35 साल हो गए थे। बाबा जी की जगह कितनी पुरानी? बाबा जी की जगह 39 साल से हो जी 29 साल से हो गया पुरानी जी। मिला मंदिर में सानू जो जगह उन्हें चकना मिला मंदिर हो गए 29 साल हो गए। इतने मैं अपनी हो चुकी जो मैं मेला बई मैं मेला वेखना वा इतने इंतजाम इंतजाम तो हद तो ज्यादा करीदा जी पूरी सगल पास करीदा कोई चीज़ की कमी नहीं होंगी। आतंकवादियों के हमले से जूझ रहे इराक में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कल अमृतसर में आप अमृतसर यूनिट की ओर से सानिया नावलडी चौक में एक कैंडल मार्च निकाला गया जिसका नेतृत्व अशोक तलवार जिला कन्वीनर ने किया। इस मौके वर्करों को संबोधित करते हुए अशोक तलवार ने कहा कि इराक में हमारे कई नौजवान जो फंसे हुए हैं जिन्हें हमारी मोदी सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है जिसका आम आदमी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा कर रही है तथा भारत सरकार से मांग करती है कि जितनी जल्दी हो सके इराक में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। मेन मकसद है कि साड़ी सरकार पंजाब गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। 10 दिन हो गए है बच्चों होस्टेज बनाया गया है बंधक बनाया गया पंजाबी साढ़े भरा है पंजाब गवर्नमेंट से इंप्लायमेंट का प्रेशर रिलीज करने वास्ते उत्थे बाहर जाके काम कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट डॉलर आ रहे हैं फॉरन करेंसी रूप से मदद कर रहे हैं जे वो भरा इन्नी मदद कर रहे अपने परिवार तो अपने परिजनों तो माँ बाप तो अपने बच्चों तो दूर रह के एक उत्थे जॉब कर रहे हैं एक अपने नेशन वास्ते बहुत बड़ा काम कर रहे हैं तो क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता? सरकार संवेदनशील क्यों नहीं हैगी? इतों डेलीगेट जाके सुषमा स्वराज नूं मिल रहे हैं बार बार तो इंस्पेक्शन दरबार है कितनी देर इंस्पेक्शन चलेगा? वाई नॉट तुसी चार्टर प्लेन क्यों नहीं भेज रहे उत्थे उत्थे उन्होंने विड्रॉल करने वास्ते 2-3 चार्टर प्लेन भेजो जिन्हें लोग 10,000 लोग फंसे पे है बसरा पोर्ट है उतो काफ़ी दूर है बगदाद उत्थे कोई झगड़ा नहीं है लोग इंडियन आना वापस चाह रहे हैं है। पोर्ट से शिप भेजो तुसी बंदे नूं वापस बुला लो। साडा असी गवर्नमेंट नूं एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि लोगों का बहुत रोष है इस गल नूं लैके लोग गवर्नमेंट जल्दी तो जल्दी इस वक्त स्टैप उठाए। ठीक है जिन्हें उन्होंने बच्चों को पैसे नहीं है जो भी है असी टोटल अरेंज करने दे लेकिन वीज़ा फॉरमैलिटीज जो उन्होंने को वीज़ा नहीं है पासपोर्ट नहीं है जो कोई होर चीज़ नहीं है जो डॉक्यूमेंट फॉरमैलिटीज करनी है वो तो गवर्नमेंट ने पूरी करनी है ना। चार्टर प्लेन तो भगवंत मान नहीं भेजेंगे वो तो गवर्नमेंट भेजेगी भगवंत मान तो जिनकी पेमेंट है वो तो वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का फर्ज बनता लेकिन आम आदमी पार्टी प्रयास कर रही है कि ठीक है भरावों को नहीं है तो असं सारे मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट करके पैसा इकट्ठा करके असं दे रहे हैं उन्हें वापस तो लियाओ कम से कम। बहुत दुर्भाग्य की गल हैगी है मैं तो पहले ही क्या है इस तो लोग जाके मिल रहे हैं सेंट्रल लीडरशिप को दिल्ली बादल साहब को मिल रहे हैं जाके चंडीगढ़ फॉरन ऑफिसर से मिल रहा है वाई नोट ऑफिसर क्यों नहीं आ रहे? इन्हें तो समाज सेवा का जुम्मा लिया है तो फर्ज बनता है वह परिवार तक पहुंचन दसन कि असी की कर रहे हैं इस हालात असी की कर रहे हैं असी इतों तक पहुंच गए हैं साड़ी आ गाइडलाइन है हुण तुसी आने वाले दिनों बिल्कुल आ देखोगे कि बच्चों को असी वापस बुला लवेंगे कुछ तो दसो सिर्फ कह रहे असी नज़र रख रहे हैं हालात नज़र रख रहे हैं कि नहीं दे रखोगे उस तो पहला जंग हो जाएगी। इराक अज न्यूज़ की है कि इराक तो बहुत कोई 25-30 किलोमीटर ही दूर रह गए एक शहर होर से कब्जा कर लिया है उस तो पहला कितनी कैजुअलिटीज हो जाएंगी। गवर्नमेंट को संवेदनशील होना चाहिए अपने एयरक्राफ्ट भेज दे उतो बंदे नूं वापस बुलाए। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। आतंकवाद के दौरान मारे गए युवकों की मां की दास्तां बयां करेगी पंजाब 1984 फिल्म। आज अमृतसर की मजीठा रोड बाईपास पर मिनी बस ऑपरेटर यूनियन की ओर से लगाया गया रोड जाम। इराक में फंसे युवकों की वापसी के लिए कल अमृतसर में आम आदमी पार्टी के वर्करों ने निकाला कैंडल मार्च। पेड़ों की हो रही कटाई की भरपाई करने को निगम चलाएगा अतिक्रमण हटाओ अभियान अनिल जोशी ने कहा। इसी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे ताज़ातरीन खबरों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद।